नमस्कार, मैं अरुणिमा सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी और अनिवृत्त समिति दिल्ली की तरफ से डॉक्टर कीर्ति चावला संतोष डेंटल कॉलेज से आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ कि कोरोना महामारी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितनी हानिकारक है और इसमें डायबिटिक पेशेंट्स को क्या क्या सावधानियाँ रखनी होगी। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्वस्थ लोगों के मुकाबले काफ़ी ही कमज़ोर होता है, काफ़ी वीक होता है, वो बाहर के इन्फेक्शन को रिजिस्ट नहीं करते। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होगी। पहला, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप कोशिश करिए कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें। अगर आप कहीं बाहर ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं तो बिना मास्क और ग्लव्स के ना जाएं और बाहर जाते ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। घर आते ही आप अपने हाथ अच्छे से 20 सेकेंड तक धोएं। दूसरा, आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल डेली ही मॉनिटर करेंगे और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे। तीसरा, आप डेली ही अच्छे से 30 मिनट तक, कम से कम 30 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करेंगे, उससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। दिन में आप एक बार हल्दी वाले दूध का ज़रूर सेवन करें, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और आप अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। पानी बार बार पिए और जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 60 ईयर्स से ऊपर बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएँ और 10 साल से छोटे बच्चे घर से बाहर ना निकलें, तो आप कोशिश करें आप इसका पालन करें और आप अपनी मेंटल हेल्थ, घर में रहकर बिल्कुल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी आपकी शुगर डायबिटीज़ बढ़ेगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप घर में ही रहकर आप इंडोर गेम्स खेलें, बच्चों के साथ अपना घर में टाइम गुजारें, टीवी देखें, घर में रहकर स्वस्थ रहें, अच्छे से अपना ध्यान रखें। आखिरी में मैं यही कहूँगी कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस से बचे रहें। धन्यवाद।